कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है, धारणा शुरू कर देता है। लटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर, ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर। कनेक्ट करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, कंसोलिडेट करिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त। बच्चों को आप शिक्षा में कुछ चीजें अपने बच्चों को सिखाइए सर, एजुकेशन में। आप में से बहुत सारे लोगों के छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, आपके घर में बच्चे हैं। एजुकेशन सोल है सर, सोल, सोल। इसी एजुकेशन ने, अंबेडकर का एक बड़ा प्यारा वचन है, बहुत प्यारा, जबरदस्त, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है, धारणा शुरू कर देता है। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। किसी भी समाज को, किसी भी देश को महान बनाना है, उसकी शिक्षा को मजबूत कर दीजिए। एजुकेशन सोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड नेशन। अगर शिक्षा सही हो जाए, अब पहली गलती जो हमारे मां बाप कहते हैं, हमारे 90% मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे 28 घंटा पढ़े। आप कहेंगे 28? जी 28 घंटा, 28। कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा कि हमारे पास आए, साहब ऐसा है कि जरा हमारे बच्चे पे नजर रखिएगा। अरे भैया मैं आईबी में हूं, मैं रॉ में हूं, तुम्हारे बच्चे पे नजर रखूं? बच्चों को इस फॉर्मूले पे पढ़ाइए, 4 × 8 and 18। ये 8 and 18 का फॉर्मूला कंपटीशन वालों के लिए, वो भी आईएएस। बच्चे क्लास 8th तक, 8th बच्चे क्लास 8th तक 3 × 3 इस पैरामीटर पे पढ़े, 3 घंटे पढ़े जिसमें होमवर्क भी शामिल है, और 3 घंटे उनको सोचने पर मजबूर करिए, उनको कनेक्टिविटी का सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक तैयार किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अपने बच्चे को बोलिए कि यार ऐसा करो, तैयार हो गया ना, एक प्लेन शीट ले लो बेटा, लिखो पूरी कहानी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, और अब किताब पढ़ने में, पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर। आप बिना कंसंट्रेट हुए पढ़ सकते हैं, पर आप बिना कंसंट्रेट हुए लिख कभी नहीं सकते। लड़कों की लिखने की आदत डालिए सर, बहुत प्रेस मत करिए, एक शेड्यूल बना दीजिए बस कि अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार, जी कार्बन एंड कंपाउंड तैयार, चैप्टर तैयार, हाँ जी चलो लिख डालो। उनकी लिखावट को चेक कर दीजिए, 3 घंटे पढ़े क्लास 8 तक, और 3 घंटे उनसे लिखवाइए सर, 6 महीने में लिखवाइए जरूर सर। जिस ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनसे बोलिए, ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर, 8 घंटे पढ़ना, 18 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, पहले फेज में जो बच्चे 8th क्लास में है, 8th तक, इनको 2 चीजें सिखाइए, व्हाट एंड व्हाई, बस। अगर ये 2 चीज आप समझा ले गए तो आप समझ लिए जिंदा कर रहे दिमाग को। रटने मत दीजिए सर, रटने से दिमाग तोते जैसा हो जाता है, उसको बाद में जिंदा करना बहुत मुश्किल है। क्लास 8th तक एनालिसिस पे मत ले जाइए सर, व्हाट एंड व्हाई। एग्जाम्पल, अब अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या
और क्यों, बस क्या एक धार्मिक नीति, एक धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, जिसका उद्देश्य यूनिटी पैदा करना, बस क्या, क्यों, क्योंकि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। मौर्य साम्राज्य काबुल से कन्याकुमारी, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, समझदार शासक है। आज हिंदू मुसलमान है, तब बौद्ध ब्राह्मण जैन, आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे, आज तब बौद्ध ब्राह्मण जैन, इनके बीच खटास थी। और परिवार में अगर तनाव होगा तो परिवार विकास नहीं होगा, और राष्ट्र में अगर तनाव होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। यह बात अशोक को समझ में आई कि विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इंटरनल पीस। तो वो धम्म की नीति लेकर आया, बस इतना समझा दीजिए। टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, अब यहां पर आप थोड़ा सा एनालिसिस का पुट भी दे सकते हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका मैंने नाम रखा था सी क्यूब, इसको स्कूल टाइम में बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। सी क्यूब, पहला सी कनेक्टिविटी, जोड़ना सिखाइए सर बच्चों को। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका जो ट्यूशन लगभग लगभग लोगों ने रखा है, लगभग लगभग, उस टीचर को बोलिए कि मेरे बच्चे को यह सिखाओ, कनेक्टिविटी, ये धम्म, क्या और क्यों, कनेक्टिविटी। मैंने आपसे पिछले सीरीजों में कहा है, समझदारी का विकास करना है, और यह समझदारी का विकास का जो अवसर है वो स्कूल है। कनेक्ट, कनेक्ट करना सिखाइए, कनेक्ट, रटना मत सिखाइए। कि अगर यह धम्म की नीति अशोक ला रहा है, क्लास एट का चैप्टर है अशोक और उसका धम्म, तो वाई बता दीजिए लड़के को कि साहब ये वाई धम्म क्यों, ये दो वर्ड अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए। सर मैं बता रहा हूं कि जब वो ट्वेल्थ क्लास में बाहर निकलेंगे ना सर, सर परसेंटेज भले ही कम हो उनका, लेकिन कुछ महान काम करेंगे सर। परसेंटेज बहुत ही भले ही कम हो सर, लेकिन काम कुछ महान करेंगे सर। कनेक्टिविटी आप सिखाएंगे तो कनेक्टिविटी से क्या पैदा होगा, कॉन्सेप्ट पैदा होगा। भारत की शिक्षा प्रणाली को रटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। यह पहला परिवर्तन भारत की शिक्षा प्रणाली को करना पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कनेक्टिविटी सिखाइए सर शुरुआत में, किसी भी चीज की जो लर्निंग है, लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो शुरुआत में दर्द हुआ, शुरुआत में टाइम, किसी भी चीज के शुरुआत में टाइम लगेगा सर। एक बार आप सीख गए उसके बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे, वो जो पहला फेस होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यही चैलेंजिंग होता है। लर्निंग का जो पहला फेस होता है वो ये होता है, बड़ा इंपेशेंट हो जाता है आदमी कि यार बहुत धीरे हो रहा है। शुरुआत में होगा सर, शुरुआत में आप साइकिल लेके भागे, फिर आप बीच में घुसे कुछ दिन, फिर आप डंडे पे बैठे, फिर आप गद्दी पर आए, एक दिन आप थोड़ी बैठ गए। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज, इंपेशेंट होने की जरूरत ही नहीं है सर। कनेक्टिविटी सिखाइए सर, अपने बच्चों को जोड़ना सिखाइए। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोच पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको बोलिए कि भैया हमारे बच्चों को रटाना मत। ये शिक्षा का आधार होना चाहिए। कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो गया,
कॉन्सेप्ट बन गया, और जब ये कॉन्सेप्ट बन गया कंसोलिडेट हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। कनेक्ट करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, कंसोलिडेट करिए और क्लास 8 से शुरू करिए। 12 तक आते आते पूरा दिमाग, कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त, कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त।